नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनि देव 24 जनवरी 2020 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह अपने स्वयं राशि में आ रहे हैं। धनु राशि से निकलकर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी स्वयं राशि में स्थित होने के कारण ये शश नामक राजयोग बना रहे हैं। यह शश नामक राजयोग 30 साल में एक बार बनता है, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जो बहुत ही स्लो स्पीड में चलते हैं, अर्थात एक ही राशि में वह 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 2.5 वर्ष बाद यह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए 12 राशियों में इनको राशि परिवर्तन करने में 30 साल का समय लगता है और अपनी स्वयं की राशि में आने में इसे 30 साल का वर्ष लगता है दोस्तों। इसलिए शनि देव 30 सालों बाद यह राजयोग बना रहे हैं और यह राजयोग अलग अलग राशियों पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसकी विस्तृत जानकारी हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। शनि को सूर्य पुत्र और नव ग्रह में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शनि के संबंध में अनेक गलत अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिस वजह से शनि को अशुभ और दुख का कारक माना जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। शनि शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। शनि मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है जो हर प्राणी के साथ न्याय करता है, लेकिन जो लोग अनैतिक और गलत कार्य करते हैं तो उन्हें शनि का दंड भी भोगना पड़ता है। शनि गोचर, शनि की महादशा और साढ़ेसाती के फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। हालांकि यह परिवर्तन सुखद और कष्टकारी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसका फल मनुष्य के कर्म और राशि व कुंडली के शनि की चाल और स्थिति पर निर्भर करता है। विभिन्न भाव में शनि के गोचर से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों। आप कन्या राशि के जातक है तो शनि देव पहले आपके फोर्थ हाउस में थे, आपके धनु राशि में स्थित थे। 24 जनवरी के बाद वह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके पंचम भाव में विराजित हो जाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर बहुत अधिक अच्छी स्थितियां उत्पन्न करेगा। उनके शनि की अढ़ैया खत्म हो जाएगी इस राशि परिवर्तन के कारण और उन्हें संतान पक्ष से बहुत अधिक अच्छी खुशखबरी इस समय प्राप्त होगी। वह शिक्षा से रिलेटेड हो सकती है, उनके शादी के योग बन सकते हैं यदि वह शादी लायक है तो, और उनका करियर भी इस समय सेट हो सकता है। यदि वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे लाभ की स्थितियां प्राप्त होगी, उनका मनचाहा रिजल्ट उन्हें प्राप्त होगा दोस्तों। बिजनेस की नई शुरुआत यदि आप करने जा रहे हैं, यदि आपका कोई सपना है नया बिजनेस स्टार्ट करने का, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आप स्टार्ट करेंगे तो वह आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। शनि का यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों का भाग्य को पलटने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगा। उनका जीवन इस समय बदल जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो उन्हें बहुत अधिक अच्छी स्थितियां प्राप्त होगी। वह अपने आप को बहुत अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि आप कोई लंबे समय से अपनी शिक्षा को फिर से जारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह सपना भी आपका पूरा इस गोचर के अंतराल होगा। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि दोस्तों। कोई भी ग्रह होता है उनकी दृष्टियां भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रखती है, यानी कि वह कौन से घर को देख रहे हैं उससे भी हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट उस घर से प्राप्त होते हैं दोस्तों। शनि आपके पंचम भाव में विराजित है तो उसकी 3री दृष्टि आपके सप्तम हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपके जीवन साथी से आपके अच्छे संबंध इस समय प्राप्त होंगे। जीवन साथी से आप बहुत अधिक खुश रहेंगे और आप अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड इस समय बहुत अधिक करेंगे। डेली वेजेस की इनकम में भी आपके वृद्धि होगी। व्यापार व जॉब के सिलसिले में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों। यदि आप पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो उससे भी आपको लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपकी असीम इच्छा पूरी होने के योग बन रहे हैं। जो भी आप कोई असीम इच्छा है, आपका कोई भी सपना है, चाहे वह जॉब से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, गृह स्थिति से रिलेटेड हो, घर परिवार से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सपना है तो वह पूरा होने के योग बनते हैं, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। लक्ष्मी स्थान भी इससे माना जाता है दोस्तों। शनि देव की 10री दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, अर्थात 2nd भाव पे पड़ रही है, जिससे आपके धन वृद्धि के भी अच्छे योग बनेंगे। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार कृपा इस समय बनी रहेगी। आर्थिक तंगी से यदि आप परेशान है तो शनि का यह गोचर आपको बहुत अधिक अच्छी
अच्छी स्थितियां उत्पन्न करवाएगा। आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी इस समय नहीं रहेगी। बच्चों की शिक्षा को लेकर भी इस साल आप कोई बड़ा फैसला इस समय कर सकते हैं। यदि अभी तक आपके संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, आप संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी संतान उत्पत्त हो, तो इस समय आपका यह सपना भी पूरा होगा और पुत्र संतान उत्पत्ति के योग भी इस समय बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान से रिलेटेड घर कहलाता है। दोस्तों अचानक धन प्राप्ति के योग भी इस समय आपके बनेंगे। दोस्तों यदि आप शेयर में म्यूचुअल फंड से धन अर्जित करते हैं तो उसमें भी आपके अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी। दोस्तों उसमें भी आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होगी, लेकिन बहुत अधिक सोच और विचार करके भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा आपको कोई हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। कन्या लग्न की कुंडली में शनि देव योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कन्या राशि के अंतर्गत शनि देव मारक भी हो सकते हैं, यानी कि वह सूर्य से यदि अस्त हो जाए, नीच राशि में स्थित हो जाए या फिर 6-8-12 में स्थित हो जाए, तो उस स्थिति में आपको उपाय के माध्यम से शनि के शुभ प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों आप कन्या शनि यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है, वह पीड़ित है, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे उपाय अवश्य अपनाने चाहिए। उपाय के रूप में आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, जो कि ओम शम शनिश्चराय नमः होता है। इस बीज मंत्र का जाप शाम के समय यदि आप रोज डेली एक माला अर्थात 108 बार करेंगे, तो इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति अवश्य करवाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आप शनिदेव के मंदिर में जाकर काली व नीली वस्तुओं का दान करेंगे, सरसों के तेल का दान करेंगे, छाया दान करेंगे, तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे, तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों और इसके अलावा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक यदि जलाएंगे और पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 बार या 11 बार करेंगे, तो उससे भी शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त करवाते हैं। इसके लिए आप पूरी श्रद्धा के साथ यदि उपाय अपनाएंगे तो यह गोचर आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छी स्थितियां उत्पन्न करेगा। आपका भाग्य इस समय अवश्य पलट जाएगा। दोस्तों यदि आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है लेकिन उनकी डिग्री कम है, तो उस अवस्था में आप शनि का शुभ रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवाएं। बिना कुंडली के विचार के कभी भी नीलम रत्न धारण नहीं करें। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारी कुंभ राशि है या फिर मकर राशि है तो हमें नीलम धारण करना है। कुंडली का बिना विचार करवाए आप कभी भी रत्न धारण नहीं करें। दोस्तों इसका दुष्परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि रत्न हमेशा ही शुभ परिणाम देते हैं। यदि हमने गलत रत्न धारण कर लिया तो उस ग्रह से हमें नेगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों आई होप आपको यह जानकारी बहुत अधिक अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।